गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में, और आज हम स्टडी करेंगे उसके आगे जो टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला टॉपिक है रिपोर्ट, और ये थोड़ा सा लॉन्ग कंपोजिशन है और ये 100 वर्ड्स का आता है और एग्जाम में ये 7 मार्क्स का आता है। तो इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, और उन बातों को ध्यान में रख करके, उन फीचर्स को ध्यान में रख करके, और हमें रिपोर्ट को फ्रेम करना है। सबसे पहले हमें ये स्टडी करना है कि रिपोर्ट कहाँ से आया है, इसका मीन्स क्या होता है, और हमें कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कैसे ये फ्रेम किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिपोर्ट वर्ड लैटिन लैंग्वेज, और उसके बाद लिखा हुआ रिपोर्टेयर, इट मीन्स वापस ले जाना। ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ हिंदी वर्ड या हिंदी जो सेंटेंस हैं उनको यहाँ लिखा है। तो रिपोर्ट जो वर्ड है, तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है रिपोर्टेयर, उससे लिया गया है, और इसका मीन्स होता है वापस ले जाना। अब देखिएगा रिपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो देखना है हमें। ए रिपोर्ट इज ए जेन्युइन डिस्क्रिप्शन अबाउट समथिंग दैट हैज बीन सीन हर्ड डन बाय ए पर्सन। तो रिपोर्ट क्या चीज है? ए जेन्युइन डिस्क्रिप्शन, एक वास्तविक वर्णन होता है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, अबाउट समथिंग दैट हैज बीन सीन, जिसको कि देखा गया हो या सुना गया हो या फिर किया गया हो, किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा। तो एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया, सुना गया और किया गया कोई ऐसा कार्य होता है जिसका वास्तविक वर्णन जो होता है वो रिपोर्ट में किया जाता है। इसके बाद में इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो मेन पॉइंट्स है ये। सबसे पहले हमें इवेंट का नाम लिखना है, इसके बाद में डे, डेट और टाइम लगाना है, ओकेजन लगाना है, चीफ गेस्ट कौन है उसका हमें जो है इसमें वर्णन करना है, स्पीच इसका हमें ध्यान रखना है, कल्चरल प्रोग्राम किस प्रकार का प्रोग्राम है, कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम किस प्रकार उसका हमें वर्णन करना है इसमें, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पुरस्कार वितरण जो है उसका वर्णन हमें करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें ये अलग अलग प्रकार के जो रिपोर्ट है उनके लिए हमें इन सभी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा इवेंट होगा या जैसा प्रोग्राम होगा उसके बारे में हम वैसा ही डिस्क्रिप्शन देंगे या वैसा ही उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमारे पास में जो है एक ही प्रकार का रिपोर्ट है हमें लिखना पड़ता है, और वो कौन से प्रकार का रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट है ऑन एन इवेंट, इवेंट पर आधारित ही रिपोर्ट हमें लिखना होता है और उसके बारे में हमें जो है वर्णन करना पड़ता है। इसके बाद में हमें एक बात को ध्यान में रखनी है, और वो ध्यान में ये रखना होता है कि पास्ट जो टेंस होता है मैक्सिमम पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट को लिखा जाता है। इसमें प्रेजेंट टेंस कहीं रेयर केस में एक दो सेंटेंस आ सकते हैं, बाकी हमें लगभग जो है पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट को लिखना होता है। और पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इनके सेंटेंसेस हमें ज़्यादा फ्रेम करने होते हैं और इनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे पास्ट सिंपल में वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाना पड़ता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब आता है, उसके साथ में हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन और उसके साथ में बी वन आईएनजी लगाना होता है। तो कुछ हमें उनके रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखने पड़ते हैं, और सेंटेंस फ्रेमिंग के स्ट्रक्चर भी हमें माइंड में रखने होते हैं। उस उनको ध्यान में रखकर ही हमें एक रिपोर्ट को तैयार करना होता है। रिपोर्ट जो भी होती है वो एक पास्ट का इवेंट होता है, और पास्ट के इवेंट के लिए हमें पास्ट टेंस का ध्यान ही रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको यह मेन पॉइंट्स बताए हैं, और इन मेन पॉइंट्स में इवेंट्स नेम आ गया, डे, डेट, टाइम आ गया, ओकेजन, चीफ गेस्ट, स्पीच, कल्चरल प्रोग्राम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हमें देखना होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में बार बार बता रहा हूँ आपको मैं, केवल और केवल ऑन एन इवेंट, इसी पर आधारित रिपोर्ट है उसको लिखना पड़ता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है। यू आर रीना, रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए बैंक रॉबरी।
तो यहाँ पर अपने आप को क्या माना है, यू आर रीना, आपको रीना मानते हुए रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर के आप रिपोर्टर हैं। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी है ऑन ए बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी के ऊपर, बैंक में डकैती हुई है उस पर आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो क्वेश्चन में कुछ बातें आपको आंसर में भी ऐड करनी पड़ेगी, और वो कौन कौन सी, सर कि आपको आंसर में बता रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इसका हेडिंग टाइटल वो हमारे पास में क्वेश्चन से हमें मिलेगा, तो क्वेश्चन से हमें सबसे पहले टाइटल इसका लिखना है, किसके बारे में हमें रिपोर्ट तैयार करनी है वो टाइटल हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद में ब्रैकेट में आपको जो माना था अभी यहाँ, यू आर रीना रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, ये चीज भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, जैसा कि एज इट इज यहाँ मेंशन किया हुआ है, बाय रीना रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर। रिपोर्ट लिखने वाला कौन है उसका यहाँ मेंशन हमें करना पड़ेगा, नाम और उसका जो डेजिग्नेशन है, पद है, क्या काम करता है वो, तो यहाँ पर रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर। इस प्रकार से हमने जो है इसको यहाँ मेंशन किया है। अब हम इसके बाद में क्या ध्यान में रखेंगे, एक तो प्लेस, रिपोर्ट कहाँ से लिखा जा रहा है और किस डेट को लिखा जा रहा है, वो डेट हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी और वो प्लेस यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बुक्स में ये प्लेस और डेट ऊपर लिख रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ भी मेंशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं और इसको यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। देखिएगा रिपोर्ट का ट्रांसलेशन, देयर वॉज ए बैंक रॉबरी इन द SBI ऑफ द सिटी यस्टरडे, देयर वॉज ए बैंक रॉबरी, एक बैंक में डकैती जो है वो हुई इन द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक में जो है वो डकैती हुई, ऑफ द सिटी, शहर का ये बैंक है SBI, उसमें एक डकैती हुई, कब हुई, यस्टरडे, कल हुई। इसके बाद देखिए क्या है इसमें, ए ब्लैक कलर्ड कार स्टॉप्ड, एक ब्लैक कलर की जो कार है वो आकर के रुकी कहाँ पर, एट द गेट, गेट के पास में आके रुकी। देयर वर 10 रोबर्स इन इट, इसमें 10 लुटेरे थे या 10 डकैत थे। दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, मास्क नकाब, फेसेस चेहरे, उनके चेहरों पर नकाब थे। दे हैड गन इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में गन थी, दे हैड गन्स, यहाँ पर एस लगा सकते हैं, दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में गन थी, बंदूकें थी। इसके बाद में लिख रखा है दे एंटर्ड इन द बैंक, उन्होंने बैंक में प्रवेश किया। इसके बाद में दे हिट द गार्ड ऑन द हेड, हिट मीन्स मारा, गार्ड मीन्स चौकीदार, ऑन द हेड, हेड मीन्स सिर, और उन्होंने चौकीदार के सिर पर जो है चोट पहुंचाई या चोट मारी। ही फेल डाउन, वो गिर पड़ा, फेल मीन्स गिरना। इसके बाद में है हिज हेड वॉज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मीन्स खून का बहना, उसके सिर में जो है खून बह रहा था। दे थ्रेटन टू शूट एनीवन, थ्रेटन मीन्स धमकी देना, उन्होंने धमकी दी टू शूट एनीवन, शूट मीन्स गोली मारना, हर किसी को गोली मारने की उन्होंने धमकी दी। हु ट्राइड टू रेज एन अलार्म, जिसने भी चौकन्ना करने वाली जो घंटी होती है उसको अगर बजाया तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है मारने की धमकी दी कि कोई भी अलार्म नहीं बजाएगा। दे लॉक्ड ऑल द स्टाफ इन ए रूम, लॉक मीन्स बंद कर दिया, उन्होंने पूरे स्टाफ को एक रूम में बंद कर दिया। इट इज रिपोर्टेड, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जाता है, क्या बताया गया कि दे हैड रॉब्ड मोर देन 10 लाख रुपीज, उन्होंने जो है 10 लाख रुपये से भी ज़्यादा जो रुपए हैं वो लूट लिए थे। दे हैड रॉब्ड, रॉब्ड लूटना, डकैती करना, मोर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये से भी ज़्यादा उन्होंने जो है रुपए लूट लिए थे। देन उसके बाद क्या होता है, देन मीन्स फिर या तब, दे ड्रॉव्ड दैट, उन्होंने चलाई, दे ड्रॉव्ड द कार, ड्रॉव मीन्स चलाना, ड्राइव का सेकंड फॉर्म, दे ड्रॉव द कार एट ए हाई स्पीड, उन्होंने बहुत तेज गति से कार चलाई। द पुलिस आर ट्राइंग टू सॉल्व, पुलिस है वो कोशिश कर रही है
सॉल्व द केस, केस मीन्स मामला, सॉल्व मीन्स समाधान करना, इस मामले का समाधान करने का वो प्रयास कर रही है, बट नो क्ल्यू, क्ल्यू का मतलब सबूत या लुटेरों का जो चिन्ह है कि लुटेरे कहाँ से आए थे, कौन थे, इसका सबूत या चिन्ह जो है, संकेत मान सकते हैं, वो अभी तक नहीं खोजा गया है, हैज बीन ट्रेस, ट्रेस मीन्स खोजना, पता लगाना, येट, येट मीन्स अभी तक, तो अभी तक उनका जो है पता नहीं लगाया गया है। इस प्रकार से हमने एक रिपोर्ट को फ्रेम किया है। अब इसमें टेंसेस का हमें ध्यान रखना है, टेंसेस कौन कौन से हैं देखना है, यहाँ यहाँ पर देखिएगा वॉज लगा रखा है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि वॉज क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है किसका, बी का, और सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या वॉज का जो यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। इसके बाद में ए ब्लैक कलर्ड कार स्टॉप्ड, यहां भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। फिर देखिएगा आगे, देयर वर 10 रोबर्स इन इट, रोबर्स मींस लुटेरे, 10 मींस 10, और यहां पर वर, वर क्या है, सेकंड फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज होता है और सिंगुलर के साथ में वॉच का, तो ये भी पास्ट टेंस में आता है, बी का सेकंड फॉर्म है वॉज वर। इसके बाद देखिएगा दे हैड, यहां पर हैड आ रहा है, तो हैड जो है वो भी सेकंड फॉर्म है किसका, हैव का, हैव हैड हैड, फिर ये पास्ट सिंपल आ रहा है यहां। इसके बाद दे हैड गन्स, फिर यहां पर हैड आ रहा है, तो हैड भी क्या है, सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है बार बार। इसके बाद में है दे एंटर्ड इन द बैंक, एंटर्ड भी क्या है, यहां पर एंटर्ड है, ये एंटर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, यहां पर अगर आप इन नहीं लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है एंटर्ड के बाद में इन नहीं आता, एंटर्ड द बैंक। इसके बाद में दे हिट द गार्ड, ओके, उन्होंने गार्ड के सिर पर चोट मारी, तो यहां पर भी क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, फॉर्म तीनों सेम होती है लेकिन यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। जस्ट बाद में ही फेल डाउन, फॉल मींस गिरना और फेल मींस गिरा, मतलब सेकंड फॉर्म आ गया वहां भी, तो ये भी यहां पर कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फिर इसके बाद में हिज हेड वॉज ब्लीडिंग, यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज के साथ में या वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर थ्रेटन्ड, सेकंड फॉर्म है थ्रीट का। इसके जस्ट बाद में हु ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड। फिर इसके जस्ट बाद में यहां पर दे हैड और रॉब्ड, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद में दे ड्रॉप्ड, रोड का ये ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड, तो ये भी पास्ट सिंपल हुआ। इसके जस्ट बाद में यहां पर मैंने कहा था कि आपको रेयर केसेस में दूसरे टेंस का यूज भी किया जा सकता है, तो यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर रखा है, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बना रखा है। इस प्रकार से जो है यहां पर मैक्सिमम आपने देखा पास्ट सिंपल टेंस ज्यादातर आया है, इसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस भी आया है और पास्ट परफेक्ट भी आया है, तो पास्ट टेंस का मैक्सिमम यूज आपने यहां देखा। एक रिपोर्ट को लिखने के लिए हमें कंप्लीट पास्ट टेंस का ढंग से स्टडी करना है, उसके रूल्स सारे याद होने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं तो स्ट्रक्चर हमें माइंड में रखने चाहिए, कौन सी हेल्पिंग आएगी, कौन सी मैन वर्ब आएगी, वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार से हमने जो है एक रिपोर्ट को फ्रेम किया टेंसेस का यूज करते हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं और इस टाइम आपको जो है अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। देखिएगा रिपोर्ट, और अकॉर्डिंग टू आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो रिपोर्ट है बोर्ड एग्जाम में वो केवल किस पे आता है, ऑन एन इवेंट, केवल एक इवेंट जो होती है उसी पर आता है, और ये कितने वर्ड्स का होता है, 100 वर्ड्स का होता है, मार्क्स कितने होते हैं इसके, 7 मार्क्स, 7 नंबर का ये आता है। अब इसमें सबसे पहले हम ये जान लें
कि रिपोर्ट कहाँ से तो आया है ये वर्ड और इसका मीन्स क्या होता है। तो देखिएगा रिपोर्ट वर्ड ये कहाँ से हमें शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है रिपोर्ट एयर, इससे ये रिपोर्ट वर्ड लिया गया है। और इसका मीन्स क्या होता है, इट मीन्स वापस ले जाना। तो ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। इस प्रकार से हमें इसका मीनिंग समझ में आया है, इसका मीनिंग ये होता है। तो लैटिन वर्ड जो है रिपोर्टेयर, उससे रिपोर्ट वर्ड को लिया गया है और जिसका मीन्स क्या होता है, वापस ले जाना। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा। ए रिपोर्ट इज ए जेन्युइन डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट क्या होता है, एक वास्तविक वर्णन होता है। जेन्युइन का मतलब वास्तविक या रियल कह सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन वर्णन। अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, दैट हैज बीन सीन, या तो उसको देखा गया हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बना रखा है, इसको देखा गया हो, सुना गया हो, या फिर किया गया हो। डन मीन्स किया जाना, बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया, सुना गया और किया गया ऐसा कोई कार्य है और उसका वास्तविक जो वर्णन होता है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद में रिपोर्ट को लिखते टाइम हमें इन मेन पॉइंट्स का भी विशेष ध्यान रखना है। वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हमें इन मेन पॉइंट्स को यूज करना है। मान लो ये तो एक बैंक रोबरी का था, तो बैंक रोबरी में हमने इन सभी मेन पॉइंट्स को जो है मद्देनजर नहीं रखा, जो मेन चीज उस पर फोकस हमने किया है। तो इसमें इवेंट का जो नाम है वो हमें सबसे पहले लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ बैंक रोबरी, डे डेट एंड टाइम ये भी हमें मेंशन करना है। जैसा रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम जब उन चीज़ों को मेंशन कर देंगे, ओकेजन है मान लो तो ऐसा ओकेजन का नाम लिख देंगे हम, चीफ गेस्ट उसमें कोई है ऐसा वो रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो उसमें चीफ गेस्ट का नाम भी हम मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्पीच देंगे, स्पीच वैसा ही तैयार करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम कैसा है तो उस कल्चरल प्रोग्राम के बारे में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में हम जो है वहाँ रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। अगर ऐसा है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी साथ में है मान लो, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रोग्राम में किया जा रहा है तो वो भी हम साथ में मेंशन करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स जो है वो सभी रिपोर्ट्स के लिए है। जितने प्रकार की रिपोर्ट होती है, कई प्रकार की इवेंट होती हैं, तो उन इवेंट्स के अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हमें मेन मेन पॉइंट्स हैं वो वहाँ डालने हैं। जैसा कि यहाँ एक रिपोर्ट का आपको एग्जाम्पल को बताया जा रहा है, अब देखिएगा, यू आर रीना रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए बैंक रोबरी। तो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये मान लीजिए आपका रिपोर्ट लिखना बिल्कुल ईजी हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन से कुछ चीज़ें लेनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आगे का जो टास्क है उसको कंप्लीट करना होता है। तो आपको यहाँ क्या माना है, रीना माना है, फिर यहाँ आपका डेजिग्नेशन भी दे रखा है, पद दे रखा है आप क्या काम करते हैं, तो रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर। फिर इसके बाद में लिख रखा है राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए बैंक रोबरी। आपको एक रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट लिखना है लगभग 100 शब्दों में और किस पर लिखना है, ए बैंक रोबरी, एक बैंक की डकैती जो है उस पर आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो जैसा कि हमें यहाँ मेन पॉइंट्स मिले हैं या मेन पॉइंट्स आपने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका जो टॉपिक है वो देखना है। तो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है ए बैंक रोबरी। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैपिटल लेटर यूज करते हुए इसका टाइटल हमने यहाँ लिखा है या हमें एग्जाम में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन से हमने उठाया इसको, एज इट इज पिक किया यहाँ और यहाँ मेंशन कर दिया ए बैंक रोबरी। इसके बाद में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसको ब्रैकेट में जो है वो लिखना होता है बाय रीना, ये क्या रिपोर्ट किसने लिखा है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो बाय रीना रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्टर है इनका नाम है रीना, उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखा गया है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें इसमें टेंसेस का भी ध्यान रखना होगा।
टेंसेस कौन कौन से होंगे, वो टेंसेस सारे से मेंशन किए हुए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट पास्ट टेंस का इसमें आपको स्टडी करना होगा। अब पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल भी आ सकता है, कंटीन्यूअस भी आ सकता है, परफेक्ट का यूज किया जा सकता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज भी किया जा सकता है। आप इसके अंदर हमें जो है इसकी पास्ट सिंपल की पहचान है, उसके एडवर्ब्स है और इसके अलावा इसके जो रूल्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, उसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं, ऐसा ही यूज हमें पास्ट टेंस का करना है, पास्ट कंटीन्यूअस का करना है, पास्ट परफेक्ट का करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का भी यूज करना है। कहने का मीन्स ये हुआ कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करते टाइम सभी प्रकार के टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, उनके रूल्स स्ट्रक्चर सारे याद होने चाहिए, तब जाके आप एक सेंटेंस फ्रेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार का सेंटेंस आपको फ्रेम करना पड़ सकता है। तो कहने का मीन्स ये होगा कि आपको टेंसेस की जानकारी होना मस्ट है। अब हमें आगे जो बात ध्यान में रखनी है वो ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लेस का नाम लिखना है कि रिपोर्ट कहाँ से किया जा रहा है या रिपोर्ट आप कहाँ से लिख रहे हैं। फिर इसके बाद में हमें डेट मेंशन करनी होती है, तो डेट में हमें केवल और केवल इतना ही मेंशन करना है, मान लो यहाँ मैंने लिखा 24 मई। आगे हमें सेशन का यूज नहीं करना है, सेशन के बारे में कोई मेंशन नहीं करना है कि कौन सा सेशन है या नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल डेट मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिएगा, देयर वाज ए बैंक रोबरी इन द SBI ऑफ द सिटी यस्टरडे। देयर वाज ए बैंक रोबरी, बैंक में डकैती हुई या डकैती थी की गई, कहने का मीन्स इन द SBI ऑफ द सिटी यस्टरडे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है शहर का, उसमें कल एक डकैती हुई। अब यहाँ पर देयर से एक सेंटेंस को शुरू कर रखा है, ये देयर से सेंटेंस शुरू क्यों है, क्योंकि इसमें कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट रियल में आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है, आपको सब्जेक्ट रियल में कोई नहीं मिल रहा है, तो आप उस सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर सकते हैं, देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, ए ब्लैक कलर्ड कार स्टॉप्ड एट द गेट। ब्लैक मीन्स काला या काली, कलर्ड रंग की, एक काले कलर की या काले रंग की कार जो है वो रुकी, स्टॉप मीन्स रुकी, कहाँ पर रुकी, एट द गेट, जो भी बैंक का गेट था उसके पास में आके रुकी। फिर आगे देखिएगा, देयर वर 10 रोबर्स इन इट। देयर वर 10 रोबर्स, 10 मीन्स 10 या 10, रोबर्स मीन्स लुटेरे, तो उसमें 10 लुटेरे थे। तो यहाँ पर भी कोई क्लियर सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं देयर से। फिर इसके बाद में दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, तो उनके चेहरों पर क्या थे, मास्क थे, मास्क मीन्स नकाब, उनके चेहरों पर नकाब उन्होंने पहन रखे थे, नकाब उन्होंने लगा रखे थे ताकि रियलिटी में उनको पहचाना नहीं जा सके। फिर इसके बाद में है दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, गन्स बंदूकें, हैंड्स मीन्स हाथ, देयर मीन्स उनके, उनके हाथों में बंदूकें थी। फिर इसके बाद में दे एंटर्ड द बैंक, एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, उन्होंने बैंक में प्रवेश किया। दे हिट द गार्ड ऑन द हेड, हिट मीन्स चोट पहुंचाना, चोट लगाना, उन्होंने गार्ड में चौकीदार, उन्होंने गार्ड जो है या चौकीदार जो है उसके सिर पर चोट मारी। ही फेल डाउन, फेल मीन्स गिरना, डाउन मीन्स नीचे, वो नीचे गिर गया। हिज हेड वॉज ब्लीडिंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया यहाँ, उसके सिर में खून बह रहा था, ब्लड मीन्स, ब्लड मीन्स खून का बहना, तो यहाँ पर ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। दे थ्रेटन्ड टू शूट एनीवन, थ्रेटन मीन्स धमकी दी, शूट मीन्स गोली मारना, एनीवन हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को। हु ट्राइड टू रेज एन अलार्म, अलार्म मीन्स चौकन्ना करने की जो घंटी होती है वहां पर अलार्म लगा होता है, उसको अगर किसी ने बजाने की कोशिश की तो उसको जान से मारने की या गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद में है दे लॉक्ड ऑल द स्टाफ, लॉक मीन्स बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया, ऑल द स्टाफ, सारे स्टाफ को जो उन्होंने ताले में बंद कर दिया, और ताला कहाँ, एक रूम के जो ताला लगा करके उस रूम में सारे सारे स्टाफ को जो है वो बंद कर दिया। इट इज रिपोर्टेड दैट, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि दे हैड रॉब्ड, उन्होंने लूट लिए थे मोर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा जो है उन्होंने लूट लिए थे। देन
देन मींस तब या फिर क्या हुआ, दे ड्रॉव्ड द कार एट ए हाई स्पीड, उन्होंने अपनी कार को बहुत ही तेज गति से चलाया। द पुलिस आर ट्राइंग टू सॉल्व द केस, पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, ट्राइंग मींस कोशिश करना, टू सॉल्व द केस को जो है सॉल्व करने की या केस का समाधान करने की कोशिश कर रही है, बट नो क्ल्यू हैज बीन ट्रेस्ड अबाउट येट, क्ल्यू का मतलब संकेत, सबूत, कोई भी सबूत अभी तक खोजा नहीं गया है, ट्रेस मींस खोजना, येट मींस अभी तक, तो अभी तक उनका कोई निशान या सबूत जो है वो नहीं मिला है, इनका जो लुटेरे आए थे और बैंक में से 10 लाख रुपये से ज़्यादा रुपये लूट करके ले गए, उनका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इस प्रकार से हमने जो एक रिपोर्ट को फ्रेम किया। एक बार फिर से मैं आपको इसमें जो यूज किए गए टेंसेज हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि फर्स्ट लाइन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वॉच है सेकंड फॉर्म, किसकी, बी की, बी ई, बी मीन्स होना, सेकंड फॉर्म है वॉच और थर्ड फॉर्म बी। अब इसमें सिंगुलर के लिए वॉच का यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए वर का यूज कर सकते हैं, तो देयर वॉच, यहां जैसे कि वॉच आ गया। अब इसमें बी फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म वॉच और वर, थर्ड फॉर्म बी, वॉच का यूज सिंगुलर के साथ में या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई उसके साथ में, और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर देखिएगा, स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म है ये, और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में यूज की जाती है, जैसा यहां किया गया है। इसके बाद देखिएगा, देयर वर 10 रूबर्स, अब यहां पर ये बी का जो है सेकंड फॉर्म ही है, यहां पर वो जा रहा था सिंगुलर के साथ हिसाब से, और यहां पर प्लूरल के हिसाब से वर आ रहा है। फिर इसके बाद में देखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, रोबर्स या प्लूरल के लिए वर आ रहा है। इसके बाद दे हैड मास्क, तो यहां पर हैड जो है ये सेकंड फॉर्म के रूप में है, और सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। इसके बाद में है दे हैड गन्स, यहां पर फिर से सेकंड फॉर्म आ रही है, किसके सेकंड फॉर्म में, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड भी हैड होती है, तो यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज है। इसके जस्ट बाद में दे एंटर्ड, एंटर का सेकंड फॉर्म एंटर्ड, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस हो गया। इसके बाद में हिट, इसकी तीनों फॉर्म वर्ब फॉर्म सेम होती है, हिट हिट और हिट। इसके जस्ट बाद में ही फेल, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, फेल मींस गिरा, तो फॉल फेल और फॉलन। इसके बाद में है ही हिज हेड वॉज ब्लीडिंग, यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि ब्लीड फर्स्ट फॉर्म होती है, बी एल डबल ई डी, ब्लीड के साथ में क्या जोड़ा, आई एन जी, तो क्या हो गया, ब्लीडिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस। इसके जस्ट बाद में है दे थ्रीटर्नड, यहाँ पर थ्रीट का सेकेंड फॉर्म थ्रीटर्नड लगा रखा है, थर्ड फॉर्म भी थ्रीटर्नड ही होता है, थ्रीटर्नड मींस धमकी दी, या थ्रीट मींस धमकी देना। फिर इसके बाद में है टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है। फिर इसके बाद में हु ट्राइड, ट्राई जो है फर्स्ट फॉर्म होती है टी आर वाई, सेकेंड फॉर्म ट्राइड, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस हुआ। इसके जस्ट बाद में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेज, सेकेंड फॉर्म रेस्ट, थर्ड फॉर्म भी रेस्ट। फिर इसके बाद में दे लॉक्ड ऑल द स्टाफ, लॉक मींस बंद करना, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस हुआ, थर्ड फॉर्म भी लॉक्ड ही होती है, फर्स्ट फॉर्म एल ओ सी के लॉक होती है। फिर इसके जस्ट बाद में इट इज रिपोर्टेड, यहाँ पर ये पैसिव बना रखा है, पैसिव है ये सेंटेंस, पैसिव का है, रिपोर्ट, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड दैट दे हैड रॉब्ड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और ऊपर आपने क्या देखा था, यहाँ कोई मैन वर्ब नहीं है, खुद ही मैन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में मैन वर्ब लगा हुआ है, कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, देन दे ड्रॉव्ड, ड्राइव, डी आर आई वी ई, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ड्रॉव, थर्ड फॉर्म ड्रॉव्ड,
अब इसमें ड्रॉप भी है, ये भी सेकंड फॉर्म हो सकती है, और डी आर ओ वी ई ये भी सेकंड फॉर्म होती है, दोनों है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कार एट हाई स्पीड, यहाँ पर कौन सा टेंस आ गया, पास्ट सिंपल। इसके बाद में है द पुलिस आर ट्राइंग, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है क्योंकि आर के साथ में, आर के साथ वी वन आई एन जी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं ना कहीं रेयर केसेस में हमें दूसरे टेंस का भी यूज करना पड़ सकता है, जैसा कि यहाँ किया गया है। इसके जस्ट बाद में है बट नो क्ल्यू हैज बीन ट्रेस्ड, यहाँ पर देखिएगा हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रेस, पी आर ए सी ई, तलाश करना, पता लगाना। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना रखा है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो केवल हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लग जाती, लेकिन यहाँ बीन भी लगा हुआ है। वैसे बीन के साथ आप देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आता, लेकिन अगर आई एन जी आता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, लेकिन यहाँ बीन के साथ क्या रहा, डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इस प्रकार से हमने जो है एक टेंसेस का यूज करते हुए कौन कौन सा टेंसेस का यूज हुआ, कैसे हुआ, ये देखते हुए हमने एक रिपोर्ट को तैयार किया है, और जो भी फॉर्म्स थी उनका भी हमने यूज किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना कि आपको कंप्लीट जो पास्ट टेंस है उसके बारे में डीपली स्टडी करना है, और डीपली स्टडी किन किन चीज़ों का करना है, उसकी पहचान, हिंदी की पहचान, उसके एडवर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग लगती है, किस पर्सन के साथ में कौन सी हेल्पिंग लगती है, और उस टेंस में कौन सा मैन वर्ब लगता है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, या मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, या फिर उसमें आई एन जी से हो रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। और ये जो मेन पॉइंट्स है इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन सभी मेन पॉइंट्स का आपने यूज नहीं किया यहाँ, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ रिपोर्ट हमें इन मेन पॉइंट्स का यूज करना है। रिपोर्ट का नेचर क्या है, रिपोर्ट किस प्रकार की, उसके अकॉर्डिंग हमें इन मेन पॉइंट्स को यूज करना है। अब रिपोर्ट हमारे पास में क्या है, ऑन एन इवेंट, और इवेंट कैसा था, बैंक रोबरी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सभी पॉइंट्स का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हमें मेन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है और हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट में पूछ सकते हैं, और मैं असाइनमेंट के रूप में आपको एक रिपोर्ट और दूंगा, उस रिपोर्ट को जब आप प्रैक्टिस में लें तो आपको इन सभी पॉइंट्स का, या जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उससे रिपोर्ट के लिए, उनका ध्यान रख करके और आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। लेकिन उसमें आपको टेंसेस का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ क्वेश्चन से चीज़ें लेनी पड़ेगी, कुछ अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी।